नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बॉलीवुड सॉन्ग्स को यूट्यूब में अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं। और साथ में आपको यूट्यूब चैनल की अर्निंग भी सोख रहा हूँ कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। आप लोगों के दिमाग में कई सारे डाउट्स आते हैं कि अगर हम किसी का बॉलीवुड सॉन्ग यूज करेंगे तो हमें कॉपीराइट मिल जाएगा, या हमारा चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आज की वीडियो के अंदर आपको आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा कि कैसे आपने बॉलीवुड सॉन्ग को यूज करना है, अपने चैनल पर अपलोड करना है, कैसे आप उनको वायरल कर सकते हैं, और कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, साथ में अर्निंग प्रूफ भी कि लोग कैसे कमाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाना चाहूंगा। आपको अब यहाँ बगल में एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग शो हो रही होगी, आप इसे ध्यान से देखना और जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को समझना। सबसे पहले मैं आपको YouTube में लेके चलता हूं, जहां पर हम YouTube में सर्च करेंगे बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स। आप यहां पर बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग भी सर्च कर सकते हैं, बॉलीवुड लव सॉन्ग भी लिख सकते हैं, या आप जिस टाइप के सॉन्ग्स आप डालना चाहते हैं आप उस टाइप के सॉन्ग्स यहां पर ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे आपने कई जगहों में देखा होगा कि लोग 90s के सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं और वो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे रैंक भी करते हैं। जैसे आप ये लिख के सर्च करते हैं तो आपको सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जैसे मैं सर्च करा कई सारे सॉन्ग्स यहाँ पर हमारे सामने आए। देखो, पहला तो हमारे जी म्यूजिक का हमने इसे इग्नोर माना, टी सीरीज का इसे इग्नोर माना, लेकिन यहाँ पर देखो एक यहाँ पर क्लिप रॉय करके एक चैनल है जो एक ऑफिशियल चैनल नहीं है किसी म्यूजिक कंपनी का, लेकिन इसने वीडियो डाल रखी है जिसमें से 7 मिलियन व्यूज गए। ठीक है, ऐसे हम नीचे को जाएंगे तो यहाँ पर देखो म्यूजिक वर्ल्ड एक और है जिसमें इसने भी सॉन्ग डाल रखे हैं, 4 मिलियन व्यूज हैं। ठीक है, और एक लूफी सॉन्ग का चैनल जिसमें भी ये सॉन्ग पड़े हुए हैं। ऐसे आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे आपको बहुत सारे सॉन्ग्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे एक चैनल ये है एसपी सैलजा करके, हम इस चैनल को ओपन करते हैं तो इस चैनल में 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अगर इस चैनल को हम ओपन करेंगे तो ये चैनल की शुरुआत कब हुई थी, 3 अक्टूबर 2023 को, यानी कि बहुत ही नया चैनल है, अभी हाल में ही चैनल बना रखा है। और देखो इतने कम समय में 1 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और इन चैनल की हम मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में आते हैं, देखो 15 मिलियन, 14 मिलियन, 5 मिलियन, 4 मिलियन, ऐसे ये सॉन्ग्स गए हैं। अब आप ये देख लीजिए, क्या इस सॉन्ग में कोई आपको अदर कैटेगरी दिख रही है? देखो सारे सॉन्ग कौन से, 90s के सॉन्ग हैं, बॉलीवुड सॉन्ग है, लव सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, इस टाइप के सारे सॉन्ग से भरे पड़े हैं। देखो सारे सॉन्ग से वही टाइप के भरे पड़े हैं। अब ये लोग अपलोड कर रहे हैं और इनकी मैं अब आपको अर्निंग भी शो कराता हूँ। अर्निंग शो करने के लिए आपने आना है गूगल में, यहाँ पर एक वेबसाइट होती है सोशल ब्लेड। सोशल ब्लेड का आप सर्च करते हैं, इसको ओपन करते हैं, यहाँ पर डालेंगे इनके चैनल का लिंक। हम जाते हैं इनके चैनल पर और इनके चैनल का लिंक हम यहाँ से कॉपी करते हैं, शेयर में क्लिक करते हैं, कॉपी लिंक में क्लिक करा, लिंक यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब इस लिंक को यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन में डालते हैं और सर्च कर लेते हैं। जैसे ही सर्च करते हैं आपके सामने देखो यहाँ सारा रिजल्ट आ जाएगा कि इस चैनल की कितनी अर्निंग है। देखो यहाँ पर सब ग्राफ आ चुका है। अब इधर तो इनके व्यू के वीकली सब्सक्राइबर कितने बढ़ रहे हैं, वो सब्सक्राइबर ग्रोथ दिखा रहा है। इधर इनके दिखा रहा है कि वीडियो में व्यूज़ कितने आ रहे हैं। यहाँ पर देखो कौन कितने सब्सक्राइबर हैं, कौन सी रैंक है, सब ऊपर लिखी आती है। बीच में आपको अर्निंग शो हो रही है, इनकी मंथली एस्टिमेट रेवेन्यू यानी कि एक अनुमानन इनकी आय कितनी है, $6,000। $6,000 कम से कम, $99,000 मैक्सिमम, इसके बीच में। अगर हम $6,000 प्रति मंथ माने तो हम अगर इसका हिसाब लगाएं कितना होता है, तो हम यह भी सर्च कर लेते हैं, इकाई ढाई सैकड़ा हजार डॉलर इन रुपीज। ठीक है, तो देखो इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस लाख, 5 लाख रुपया इनका महीने का कमाई है। महीने की कमाई 5 लाख रुपये मिनिमम, कम से कम 5 लाख रुपए, इससे ऊपर और भी हो सकती है, यहाँ पर आप हिसाब नहीं लगा सकते। अब आप भी अगर ऐसे ही बनाना चाहते हैं और आपको डर लगता है कॉपीराइट आएगा, तो मेरे भाई आज की वीडियो पूरा एंड तक देख लो। आज मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उससे ना आपको कॉपीराइट आएगा, ना आपको वीडियो रैंक कराने में कोई दिक्कत आएगी, हर एक चीज़ स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा। अब आप बॉलीवुड सॉन्ग को अपलोड करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने दिमाग को बनाना पड़ेगा कि आप किस टाइप के सॉन्ग डालना चाहते हैं। या तो हम 90s के सॉन्ग डालेंगे, या आप डालेंगे लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, रैप सॉन्ग, हिप हॉप सॉन्ग, जिस टाइप के सॉन्ग्स आप चाहते हैं वो सॉन्ग आपने YouTube में सबसे पहले सर्च करना है। YouTube में जाएंगे, चाहे बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग लिखते हैं, आप इसको सर्च करेंगे।
आपके सामने जाहिर सी बात है ऐसा ही कुछ रिजल्ट आएगा जो मेरे सामने आ रहा है। सबसे पहले आपको ऊपर थ्री लाइंस डॉट्स मिलेंगे, थ्री डॉट्स में राइट साइड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सर्च फिल्टर का एक ऑप्शन मिलता है, सर्च फिल्टर में क्लिक करेंगे। नीचे फीचर्स के ऑप्शन में आपको एक क्रिएटिव कॉमन का एक ऑप्शन मिलता है। क्रिएटिव कॉमन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो इसके सामने जो जो वीडियोज ये आपको शो हो रही है ना, ये वो वीडियोज हैं जो लोगों ने अपने चैनल पर अपलोड कर रही है, किसी कंपनी ने नहीं कर रही है कि लोगों ने खुद अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, बट वो किसी को ये वीडियो यूज करने की फुल अथॉरिटी देते हैं, यानी कि वो आपको कॉपीराइट नहीं दे सकते। एक कॉमन चीज है कि वो भी यूज कर सकते हैं, आप भी यूज कर सकते हैं, ये खुली आपको छूट देते हैं कि आप इनकी वीडियोज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इनमें से कोई जो आपकी वीडियोज है आप वो कंटेंट सर्च करेंगे, क्रिएटिव कॉमन में जाएंगे और जो आपकी वीडियो है इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर दो दो मिनट के गाने भी है, दो मिनट के गाने भी है, 29 मिनट का भी है, 25 मिनट का भी है, एक घंटे का भी है, चार मिनट का भी है, तीन मिनट का भी है। ऐसे ही करके आपने छोटे छोटे सॉन्ग को उठाना है और उनको जोड़ लेना, या फिर आप कोई बड़ी वीडियो जैसे 27 मिनट की है या एक घंटे की है, आप इस सॉन्ग को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे करना है मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, आपको पता ही कैसे डाउनलोड करते हैं, गूगल में सर्च करेंगे आपको जवाब मिल जाएगा। आप इन सॉन्ग्स को डाउनलोड कर लेंगे। जैसे मैंने एक सॉन्ग डाउनलोड करा है, मैं आपको दिखा दूं, ये सॉन्ग है मैंने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। अब ये सॉन्ग 29 मिनट का है, अगर आप छोटे छोटे चार चार पाँच पाँच मिनट के सॉन्ग को डाउनलोड करते हैं, आप 5-10 सॉन्ग डाउनलोड करना और उनको जोड़ करके एक सिंगल सॉन्ग बना लें। अब इसको आगे आपने सॉन्ग तो डाउनलोड कर दिया, अब इसे अपलोड करने से पहले आपको इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी कि आपका जो 1% चांस रहेगा कॉपीराइट क्लेम का वो भी आपको ना आए। स्ट्राइक तो आपको कोई नहीं दे सकता, बट क्लेम आने का जो चांस रहेंगे उसको भी हम खत्म कर देंगे। उसके लिए आपने इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी। एडिट करने के लिए आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, कोई वी एन ए करता है, कोई काइन मास्टर करता है, कोई इनसॉट करता है, जो आपको सुटेबल लगती है आप उसको यूज कर सकते हैं। मेरा हाथ सेट है भाई काइन मास्टर में, तो मैं काइन मास्टर को ले लेता हूँ। यहाँ से काइन मास्टर को ले लेंगे। सबसे पहले आप क्रिएट न्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट में कर देंगे क्लिक। अब हम फोन को तिरछा कर लेते हैं। अब आप समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जो वीडियो आपने डाउनलोड करी है आप उस वीडियो को ले लेंगे। जैसे मैंने ये वीडियो डाउनलोड करी, मैं इसको ले लेता हूँ और ले लिया। देखो नीचे आ गए हमारी वीडियो। अब ये वीडियो की लेंथ है 29 मिनट। अगर यही वीडियो 4-5 मिनट की होती और मैंने 5-10 वीडियो डाउनलोड करी होती तो मैं इसको लेता, उसमें मीडिया में फिर से क्लिक करता, फिर से एक और वीडियो लेता और ऐसे में इसके आगे जोड़ देता, ऐसे में सारी वीडियोज को आगे लेता। अब देखो 58 मिनट की हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही आपने कर करके इस वीडियो की लेंथ कर देनी है, जो नए नए सॉन्ग जोड़ के एक घंटे से ऊपर की लेंथ बनानी है। मैं यहाँ पर एक घंटे से ऊपर की लेंथ नहीं लूँगा क्योंकि मैंने अपने चैनल पे तो नहीं डालना, क्योंकि मेरा बॉलीवुड सॉन्ग का चैनल नहीं है, मेरा है टैग कैटेगरी चैनल। इसलिए ये कमेंट मत करना कि भाई इसे अपने चैनल में डाल के दिखा, मैं अपने चैनल पे नहीं डाल सकता इस चीज़ को, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। इसलिए 29 मिनट की ही वीडियो हम बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम छोटा करते हैं। सबसे पहले देखो आपके सामने कुछ ऐसा थंबनेल इसके ऊपर आ रहा होगा, या तो आप इसी को रहने दीजिए या आप अपना एक नया थंबनेल बनाइए। नया थंबनेल कैसे बनाएंगे? नया थंबनेल आपका इस वीडियो के लिए भी काम आएगा और आप जब वीडियो अपलोड करेंगे वहाँ पर भी काम आएगा। उसके लिए आप बैक मारेंगे और सबसे पहले हम थंबनेल बनाएंगे, उसके आगे की एडिटिंग फिर करेंगे, ठीक है। पिक्सल लैब की एक एप्लीकेशन है जिसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब यहाँ से आप जो आपने थंबनेल बनाना है वो यहाँ से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर तो मेरे सामने लिखा रहेगी जो आपने पिछला थंबनेल बनाया है उसको रिकवर करना चाहते हैं। मैं ओके करूँगा तो मेरा पिछला थंबनेल यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले मैं इस थंबनेल को सेव कर लूँ ताकि मेरे को आगे वाले आने वाले समय में इसकी ज़रूरत हो तो मैं यहाँ से ले लूँ, ठीक है। ये ऐड को हम क्लोज करते हैं। अब आपके सामने कुछ ऐसा आएगा, मैं सबसे पहले सारी चीज़ यहाँ डिलीट मार दे रहा हूँ, आपके सामने सेम ऐसा आएगा। आपने सबसे पहले YouTube पर थंबनेल बनाना था इसलिए थ्री डॉट में क्लिक करेंगे, यहाँ से इमेज साइज को सेलेक्ट करेंगे, कस्टम के ऑप्शन में क्लिक करके YouTube थंबनेल का ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। अब ये रेशियो आ चुका है YouTube थंबनेल का। इसके बाद आपने जाना है, बैक मारना है और गूगल से कोई भी एक फ़ोटो डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। फ़ोटो डाउनलोड कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आप सॉन्ग बना रहे हैं 90s का, तो 90s के टाइम की पॉपुलर हीरोइन कौन थी उसकी फ़ोटोज डाल सकते हैं। अगर आप आजकल के बॉलीवुड लेटेस्ट सॉन्ग का आप बना रहे चैनल बना रहे हैं तो आजकल जो हीरोइन है उसका ले सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल फॉर ले ले रहे हैं रश्मिका मंदना HD फोटोज़ हमने ये ले ली।
अब इसमें से रश्मिका मंदाना की कोई भी एक फ़ोटो हम ले लेंगे, बस ध्यान देना हम फोटो वो लेंगे जिसमें किसी अदर कंपनी का वाटर मार्क ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ कोई सी फोटो लेते हैं, हम इसी को ले लेते हैं, इस फोटो को हम यहाँ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं। आप भी कोई फोटो ले सकते हैं, जैसे हमारी ये फोटो डाउनलोड हो चुकी है। अब इसके बाद आपने ये करना है, फिर से जाना है वो पिक्सल लैब में, यहाँ से प्लस के आइकन में क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ से रश्मिका मंदाना की हमने फोटो ली थी, आप उस फोटो को ले लेंगे, ठीक है। ये फोटो हमने ले ली, अब इस फोटो को हम थोड़ा छोटा करके इसके अनुसार यहाँ पर फिट कर लेंगे, ठीक है, हमने यहाँ फिट कर लिया है। अब इसके बाद हमारा यहाँ का एरिया तो ग्रीन ग्रीन आ रहा है, हम इसको भी चेंज करेंगे, इसके लिए फिर से ऐड में क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो ले लेंगे, ठीक है। मान लें हम यही फ़ोटो ले लेते हैं, इसको लेते हैं और इसको यहाँ पर लेके इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इसको बड़ा करते हैं और ये इस बीच वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हम नीचे को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ कलर के ऑप्शन में जाएंगे, इसका कलर कर देंगे कुछ चेंज, हम ब्लैक कलर ले लेते हैं, ऐसे ओके कर देंगे। बट देखो हमारी रश्मिका की आधी फ़ोटो कट चुकी है, उसके लिए आपने लेयर वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ से नीचे वाली फ़ोटो के लेयर को ऊपर कर देना है। अब देखो ये फोटो पूरी क्लियर आ चुकी है और इधर का ब्लैक स्क्रीन आ चुकी है, ठीक है। फिर से लेयर में क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे कर देंगे लॉक, ताकि हम काम करेंगे अगला काम तो ये डिस्टर्ब ना हो, ही लेना। उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना प्लस वाले आइकन में, यहाँ पर टैक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपका कंटेंट है वो लिख देंगे, जैसे हमारा लव सॉन्ग है तो लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग है तो रोमांटिक सॉन्ग, नाइन्टीज सॉन्ग है तो नाइन्टीज सॉन्ग, जैसे हम लिखते हैं रोमांटिक सॉन्ग, और यहाँ पर आगे से हम बना देते हैं एक हार्ट, अच्छा लगता है, आप कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो मैं बना रहा हूँ आप भी वही बनाएं, आप अपना दिमाग लगा कुछ भी एक क्रिएटिव चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। मैंने ये बनाया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये बना दिया, इसको हम लगा देंगे यहाँ पर, छोटा करके यहाँ पर लगा देंगे। बट उससे पहले फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आपने ए वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर साइड वो सरका के फॉन्ट वाले ऑप्शन जाएंगे, यहाँ जो फॉन्ट आपको चाहिए वो फॉन्ट लेके ओके कर देंगे, ठीक है। ये हमने फॉन्ट यहाँ चेंज करके यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। अब इसके बाद फिर से प्लस वाले आइकन में क्लिक करेंगे, फिर टैक्स में जाएंगे, यहाँ पर रोमांटिक सॉन्ग यहाँ पर लिख देंगे, अब लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग ये लिखा, इसको छोटा कर दिया, यहाँ से हम फॉन्ट को फिर से चेंज कर सकते हैं, जो फॉन्ट हमें चाहिए वो फॉन्ट यहाँ से लगा देंगे, हमारी ये फॉन्ट या फिर दूसरा फॉन्ट अब हम चेंज करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि अब हमारा फॉन्ट याल आ जाए तो हम इसको ले लेंगे और ये छोटा कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया, ये हमारा दो चीज़ आ गई। अब इसके बाद आपने यहाँ फिर से डॉट प्लस में क्लिक करना है, यहाँ शेप्स का एक ऑप्शन मिलता है, शेप्स के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, अब इस जो शेप आएगा इसको हम बड़ा करके थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, ठीक है, ऐसा कर देंगे। ये देखो अब आप सोचेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, इससे आपको पता चले क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर ऐसे लगाएंगे तो यहाँ पर देखो एक ओके कर देंगे, ये देखो यहाँ पर एक लाइन आ गई यानी बॉर्डर आ गई। अब ऊपर वाले कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, टैक्स में क्लिक करेंगे, कलर के ऑप्शन में जाएंगे, कलर हम ले ले रहे हैं जैसे ग्रीन ले ले रहे हैं या फिर यहाँ से हम येलो ले ले रहे हैं, येलो कलर ले लिया, हमारा ये चेंज हो चुका है। अब इसके बाद इस डंडे के नीचे आपकी वीडियो के अंदर जितने जितने सॉन्ग्स होंगे आप उनको कवर कर लेंगे, ठीक है, जो जो सॉन्ग आपके होंगे वो उस सॉन्ग को आप ले लेंगे। जैसे मैंने व्हाट्सएप में लिख के रखा है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, यहाँ पर हम फिर से प्लस वाले आइकन में क्लिक करेंगे, टैक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पर डबल टैग करके इसके ऊपर इसको काटेंगे और यहाँ से ये रख लिया। अब आपके जो सॉन्ग है आप उसको यहाँ पर रख लेंगे, उसी पर टैक्स में फिर से क्लिक करेंगे और फॉन्ट को हम चेंज कर लेंगे, जो फॉन्ट हमें अच्छा लगता है हम वो फॉन्ट रख लेते हैं, जैसे हमें ये फॉन्ट हमें सही लग रहा है, ये फॉन्ट सही लग रहा है, हम इसको ही ले लेते हैं, छोटा करके इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। आपके जितने सॉन्ग होंगे उतने सॉन्ग को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अगर मान लो आपके और सॉन्ग्स हैं तो आप उनको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, आगे सीरियल नंबर या चेंज कर देते हैं हम, 6 हो गया, 7, 8, 9, देखो 10 सॉन्ग की हमने लिस्ट बना दी। अब 10 सॉन्ग हमारे, अगर आपके 10 सॉन्ग होते हैं तो आप 10 सॉन्ग यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, ओके कर देंगे, देखो 10 के 10 सॉन्ग की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। आप ऐसे लगा देंगे, कलर चाहे कलर चेंज कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपका सॉन्ग यहाँ पर आ चुका है। अब इसके बाद इसको आप करेंगे एक्सपोर्ट इस इमेज को, पहले देख लेते हैं ऊपर नीचे सरका करके सही जगह बैठ गया है,
ठीक है, आपका यह थंबनेल बन चुका है, देखो पूरा प्रॉपर थंबनेल बना है। अब इसको हम शेयर करेंगे, शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करके कस्टम में क्लिक करेंगे, यहाँ से वेरी हाई में क्लिक करेंगे और सेव टू गैलरी में क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ से गैलरी में सेव हो चुका है। अभी हमारी वीडियो एडिटिंग चल रही थी, हम फिर से काइन मास्टर में जाते हैं। अब ऊपर से ये थंबनेल है, ये तो किसी और का है, चाहे तो इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको अपना यूनिक बनाएंगे क्योंकि ये तो पहले से ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड है। तो हमने अपना थंबनेल ऐड करना था, लेयर के ऑप्शन में जाएंगे, मीडिया के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से हमने थंबनेल बनाया था वो लेंगे और इस थंबनेल को हमने टच कर ले लिया। थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारा थंबनेल आ चुका है, ये थंबनेल ये हमारा, इसको हम पूरा फिट कर देंगे अपनी स्क्रीन में, पूरा स्क्रीन में फिट कर दिया। अब देखो हमारा यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपने फिर से लेयर में क्लिक करना है, टैग्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर डालेंगे अपने चैनल का नाम। एग्जाम्पल फॉर हमारे चैनल का नाम है, एक चैनल का नाम हमारे यूके कनेक्शंस है, ठीक है, हमारा ये चैनल है यूके कनेक्शंस है, इसको ओके कर लेंगे, ये आ चुका है, इसको बड़ा करके हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे। और उसके बाद आपने इसका फॉन्ट चेंज कर देना, ठीक है, फॉन्ट यहाँ से मैंने डाउनलोड नहीं करके, फॉन्ट डाउनलोड करके यहाँ चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी एपेसिटी को आप थोड़ा कलर भी चेंज कर सकते हैं, थोड़ा हम ब्लैक इसमें ले आते हैं और बैकग्राउंड के इसके आउटलाइन को कर देते हैं ऑन, वाइट आउटलाइन इसमें लगा देंगे, ठीक है, ये हमने लगा दी, ये हमारी आउटलाइन लग गई है। अब देखो थोड़ा सही लग रहा है। इसके बाद इसकी आपको यहाँ पर देखो एक ऑप्शन मिलेगा अल्फा का, ओपेसिटी का, इसमें क्लिक करेंगे, इसकी ओपेसिटी को हल्का सा कम कर देंगे, ठीक है, ताकि ये हमारी फोटो को भी गंदा ना करे और हमारी वीडियो में ये हमारा लोगो भी दिख जाए। ये लग चुका है। अब दोनों फोटोज को आप खींच करके लंबा कर देंगे, जैसे देखो जूम आउट करेंगे, ये हमारा थंबनेल भी हमने खींच के पूरा लंबा कर दिया पूरी वीडियो में, जितने घंटे की वीडियो के पूरे में इसको लेंगे ऐसे, और वैसे ही हम अपना जो हमारे नीचे का हमने अपना लोगो लगाया था, इसको भी हम चैनल का लोगो नाम इसको भी हम ले लेंगे ऐसे खींच करके आगे तक, ताकि दोनों चीज़ हमारी पूरे एंड तक लग जाए। वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये आपकी एक बार की मेहनत लगेगी और आपको हमेशा कुछ दोबारा कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा पूरा खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इस सॉन्ग के ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपने सॉन्ग डाउनलोड करा था, इसमें जाएंगे, इसकी स्पीड में जाएंगे और स्पीड को आपने एक स्टेप पीछे कर लेंगे, ठीक है, एक हल्का सा स्टेप जिससे सुनने में पता नहीं चलेगा और इसकी स्पीड भी स्लो हो जाएगी थोड़ी सी। और उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करेंगे, की पिच को कर लेंगे ऑन, ठीक है, इतना कर लेंगे। अब आपका सॉन्ग यहां से तैयार है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसको शेयर यहां सेव करेंगे और यहां से आप 1040 वाले 1080 किसी में रख के फ्रेम रेट को 30 fps में रखेंगे और उसको यहाँ से इसे कर लेंगे सेव एज वीडियो। सेव एज वीडियो में क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो यहाँ से सेव हो जाएगी। देखो वीडियो सेव होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब वीडियो सेव हो गई, इसके बाद आपने कहना, देखो अब इस वीडियो को अपलोड करना है अपने YouTube चैनल में, अब ताकि आपको कॉपीराइट भी ना आए और आपकी वीडियो रैंक भी कर जाए। उसके लिए आपने ध्यान देना, कुछ पॉइंट को ध्यान देना है। पहले मैं इस वीडियो को सेव कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की कार्रवाई आपको बताता हूँ। हालांकि हमारी इस वीडियो सेव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हम ये सेव नहीं करते हैं यहाँ से, आपको समझ में आ गया ना सेव कैसे करनी है। अब इसे कैंसिल करें, बैक मार दें। अब आपने इस वीडियो को अपलोड करना है यूट्यूब में, तो उसके लिए सबसे पहले आपने जाना है अपनी यूट्यूब एप्लीकेशन के अंदर और यहाँ से आप जाएंगे प्लस वाले आइकन में और यहाँ से जो वीडियो आपने अभी डाउनलोड करी उस वीडियो को आप उठा लेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए हमारी यही वीडियो थी, हमने इसको उठा लेते हैं और अलाउ में क्लिक कर देते हैं, यहाँ से वीडियो हम उठा लेते हैं, ठीक है। वीडियो यहाँ से पकड़ ली और वीडियो यहाँ से हमारी आ चुकी है, वॉल्यूम कम कर देते हैं, अब नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी आपका पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि टाइटल लगाइए, थंबनेल लगाइए और टैग लगाइए। सबसे पहले हम थंबनेल लगाते हैं, अपना थंबनेल ऑप्शन में क्लिक करते हैं, जो थंबनेल हमने यहाँ से बनाया था उसको डाउन कर लेते हैं, ठीक है। हमारा थंबनेल यहाँ से आ चुका है। उस पर टाइटल में क्या डालेंगे, अब यहाँ से आपने वो टाइटल लगाना है जो आपको रैंक करने में मदद करती है। उसके लिए आप बैक मारेंगे, फिर से क्रोम एप्लीकेशन में और यहाँ से आपने एक वेबसाइट में जाना है,
जिस वेबसाइट का नाम है कीवर्ड फॉर यू, जैसे आप लिखेंगे keywordr कीवर्ड्स फॉर यू, ये लिख के सर्च करेंगे आप अपने वेबसाइट आएगी, इसे ओपन करेंगे। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे आपका ऐसा पेज आएगा, आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा नीचे को। यहाँ पर देखिए लिखा रहा है कि टैग जनरेटर, तो टैग जनरेटर में क्लिक करेंगे। टैग जनरेट करना है, ऐड आएगा तो ऐड को क्लोज कर देना। उसको यहाँ पर लिखना है अपने अपना टाइटल, जो आपको टाइटल है जिसका आप टैग ढूंढना चाहते हैं। जैसे हमारा क्या है, रोमांटिक सॉन्ग्स, ये हमने लिख दिया, सॉरी बॉलीवुड रोमांटिक सॉन्ग्स लिखा, और नीचे को आएंगे और जनरेट टैक्स में क्लिक कर देंगे। जनरेट टैक्स में क्लिक करते हैं तो आपके सामने देखो थोड़ा टाइम ले रहा है, और उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप बहुत सारे टैक्स आ गए, बहुत सारे टैक्स आ गए। आप इसको कर लेंगे ऐसे कॉपी, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। अब उसके बाद फिर से जाएंगे अपनी YouTube एप्लीकेशन के अंदर, यहाँ से जो आप टैग डाउनलोड कॉपी करें उसको डालेंगे सबसे पहले टाइटल में। टाइटल में जब डालेंगे, बट आपको यहाँ पर दिखेगा कि टाइटल में सिर्फ 100 शब्द डाल सकते हैं और मैं 400 शब्द का टैग है, तो आप इसे बैक मारते रहेंगे और तब तक काटते रहेंगे जब तक आपके टॉप के 100 टैग्स नहीं बचते। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली सारा कॉपी करके ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ एक एक करके टैग को कॉपी करो और यहाँ पर डालते रहो। ठीक है, मैं सारा काट लेता हूँ और उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या करना है। लगभग हो गया हमारा, देखो 1300, देखो हमारा ये आ चुका है। उसके बाद देखो ये कॉमा होता है ना, ये कॉमा को भी यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, ये कॉमा हर शब्द के बीच में कॉमा है, इसको हटा देंगे। ये सब टैग वो है ना जो अभी के डेट में ट्रेंड चल रहे, और इन कॉमा की जगहों में आप लगा देंगे या तो कोई इमोजी, या फिर आप लगा देंगे एक डंडा टाइप का आता है, ये डंडा ऐसा लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसी को पूरा कॉपी करेंगे और इसको कॉपी कर डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, सर टॉप नंबर सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में ये डालेंगे। और उसके बाद फिर से वो टैग्स जो आपने कॉपी करे थे उसको दोबारा से कॉपी करते हैं, यहाँ से हम फिर से कॉपी कर लिए। अब इसको हम फिर से डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ डाल देंगे, बट इसका कॉमा हटा करके कॉमा डालेंगे एक के नीचे एक। देखो ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आप ये चीज़ ध्यान देखो, कॉमा हटा रहा हूँ एक के नीचे एक। देखो सारे मैं ऐसे लगा देता हूँ, आपने भी ऐसे सारे लगा देने एक के नीचे एक करके। वीडियो हो सकता थोड़ी सी लंबी रहे, लेकिन आप एक काम की होने वाली है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर में आपको सारी चीज़ हर कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि कैसे आपने क्या करना है। आपके लिए कोई भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ रहा हूँ कि आपको थंबनेल बनाने की दिक्कत ना हो, टाइटल टैग डालने में कोई दिक्कत ना हो, सब कुछ डाल देंगे। अभी इतने में आपका काम खत्म नहीं है, आपने और डिस्क्रिप्शन भरना है। अब देखो हमारा आधा डिस्क्रिप्शन तो भर चुका है, हमने जितना मतलब हमने टैग्स यहाँ पर डाले हैं वो सब डाल दिए, इनसे भी रैंक हो जाएगी। अब उसके बाद आपको याद होगा जब हमने थंबनेल बनाया था उस टाइम पे हमने व्हाट्सअप से कुछ कॉपी करे थे, कुछ ये जो हमारे सॉन्ग्स होने वाले इनको भी कॉपी करेंगे और इनको भी डाल देंगे इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे डाल देते हैं, और इसके नीचे अगर अगर आपने कोई इंस्टाग्राम का हैंडल डालना चाहते, कुछ भी आप नीचे लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे कॉपीराइट डिस्क्लेमर के साथ साथ, आप वो चीज़ डाल देंगे, वो आपकी इच्छा। आप कोई लिंक लगाना चाहते हैं नीचे, अपना इंस्टाग्राम का लिंक लगाना चाहते हैं, कुछ भी डालना चाहते हैं इसके नीचे आप वो डाल देंगे, इससे पहले नहीं डालेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बैक मारेंगे, आपका देखो टैग हो गया, टाइटल हो गया, नहीं टैग सॉरी थंबनेल हो गया, टाइटल डिस्क्रिप्शन हो गया। नीचे को जाएंगे, यहाँ पर देखो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर पब्लिक को यहाँ पर करके आपने अनलिस्टेड में करना, सबसे पहले अनलिस्टेड में क्लिक करेंगे और यहाँ पर नो इट्स नॉट फॉर किड्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर देखो कॉमेंट को आपको ऑन रखना है, कॉमेंट ऑन रहेगा, उसके बाद इसको कर देंगे अपलोड में क्लिक, यहाँ से आपका सॉन्ग हो जाएगा अपलोडिंग स्टार्ट। देखो अपलोडिंग स्टार्ट हो गई, अपलोड होने स्टार्ट हो गए, देखो अपलोड हो रहा ना। अब इसके बाद जाएंगे आप अपनी YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर, जहाँ पर आपका ये चैनल होगा, उसके बाद आप अपनी वीडियोस में जाएंगे, जो आप अभी वीडियो अपलोड करते हैं इसको अपलोड होने देते हैं। उसके बाद देखो आपने क्या करना है, देखो अपलोडिंग के बाद अभी हम टैग टाइटल लगा दिया, अब इसमें थोड़ा सा काम और करना है, उसके बाद इसको पब्लिश करेंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से फिर पेंसिल वाले आइकन में क्लिक करेंगे, और यहाँ से देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ऐड टू प्लेलिस्ट में, अगर आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ से कर लेंगे, नहीं तो यह पेज को रिफ्रेश मारते हैं, और उसके बाद यहाँ कंप्लीट होंगे। इसमें टैग्स का ऑप्शन आता है, अगर टैग्स का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपने क्रोम ब्राउजर में जाकर के आप टैग्स की जगह में यहाँ पर क्रोम ब्राउजर में जाते हैं, यहाँ से आप टैग्स की जगह में वो टैग्स यहाँ पर डाल देंगे। हम जाते हैं वीडियोज वाले ऑप्शन में,
देखो आप मैं टोटल मिलाएंगे टैक्स भरने, अभी हमारी पेंडिंग में चल रही है इसलिए वहाँ पर टैक्स का ऑप्शन नहीं है, मैं जल्दी बाजी में आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे सो मोर में जाएंगे तो यहाँ पर देखो आपको टैक्स का ऑप्शन मिल चुका है। अब यहाँ पर वही टैक्स डाल देंगे जो हमने यहाँ से कॉपी करे थे, कॉपी करा टैक्स हमने यहाँ से, सारे टैग कॉपी कर लिए और इसको डाल देंगे यहाँ पर, ये डाल दिए टैग यहाँ सारे डाल दिए और उसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, उसको यहाँ सेव कर लेना है। सेव कर लेंगे आपकी वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद इसको कंप्लीट होने के बाद, अपलोड होने के बाद आधा घंटा छोड़ देना है ऐसी, आधे घंटे बाद फिर से जाएंगे आप YT स्टूडियो एप्लीकेशन के अंदर, YT स्टूडियो में गए, यहाँ पर देखो हमारी पूरे देखो थंबनेल ही बना है, सब कुछ बना पड़ा है। उसके बाद यहाँ पेंसिल के आइकन में क्लिक करके इसको अनलिस्टेड से आप यहाँ पर कर देंगे इसे पब्लिक, ठीक है, पब्लिक कर देंगे, आपकी वीडियो बन गई तैयार और पब्लिक हो जाएगी। ऐसे आपने दिन की दो वीडियो डालनी है, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, दिन की एक या दो वीडियो डालिए, स्टार्टिंग टाइम पे धीरे धीरे आप हफ्ते की दो तीन वीडियो भी डालेंगे वो भी चल जाएगा। तो सिर्फ इस तरीके से आपका चैनल भी ग्रो होगा और वीडियो भी रैंक करेगी, आपकी वीडियो भी बन गई, थंबनेल टाइटल डिस्क्रिप्शन सब कुछ बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर कर देना, अगर लोफी सॉन्ग में वीडियो चाहते हैं तो यहाँ पर सामने बगल में कुछ वीडियोस आ रही होंगी, नहीं तो चैनल में विजिट करके आप जाकर देख सकते हैं। अब मैं मिलूंगा किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड।